पहाड़ जो आज भरभरा कर गिर रहे हैं, ये वही पहाड़ हैं जहां की ठंडी हवाएं गर्मी से झुलसते मैदानों तक ठंडक पहुंचाती हैं। ये नदियां वही नदियां हैं जिनकी निर्मलता हमें हिमाचल खींच लाती है और जिनका पानी खेतों में अनाज उगाता है, बिजली बनाता है। लेकिन यही पहाड़ आज दरक रहे हैं, मानो हमें कोई संदेश दे रहे हों कि सचेत हो जाओ। आज हिमाचल प्रदेश में 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है, 300 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में हो रहे विकास को काफी हद तक लोग जिम्मेदार मान रहे हैं। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय हिमालय क्षेत्र में मौजूद 13 राज्यों की परिस्थितिकीय सर्वेक्षण यानी कि इकोलॉजिकल सर्वे की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की और केंद्र सरकार से पूछा कि क्या एनजीटी के नियमों के अनुसार पर्वतीय राज्यों के डेवलपमेंट में इकोलॉजिकल सर्वे का पालन किया गया है, परिस्थितिकीय नियमों का पालन क्या किया जा रहा है, और इस पर सोमवार को अगली सुनवाई होनी है। इस पर आज बात करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ आज जुड़ेंगे। और इसी पर बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी सुशील पांडे से। सुशील, सुप्रीम कोर्ट में आज ये याचिका लगाई गई, इस पर सुनवाई हुई है। ये याचिका कोई नई नहीं है, इससे पहले भी ये याचिका लगाई गई थी और इसी तरीके से इकोलॉजिकल सर्वे किस आधार पर हुआ है, ये डेवलपमेंट क्या इकोलॉजिकल सर्वे के आधार पर हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, जरा तफसील से बताएंगे सुशील। देखिए, साफ तौर से जो याचिका दाखिल की गई है उसमें जो तमाम फिलहाल पर्वतीय क्षेत्रों से जुड़े हुए राज्य है वहां पर जो डेवलपमेंट किया जा रहा है या जो फिर पर्यटन को लेकर राज्य सरकार के द्वारा जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं उनको लेकर एक चिंता जाहिर करते हुए याचिका दाखिल की गई है। और ये कहा गया है कि जो तमाम पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर लगातार पहाड़ों को नुकसान पहुंच रहा है उसकी वजह जो डेवलपमेंट है राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा उसमें एनजीटी के द्वारा जो तय मानक हैं उनका पालन नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से ही लगातार जो पहाड़ हैं वो लगातार सरक रहे हैं, जिस पर आज केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ऐश्वर्या भाटी जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि वो तमाम जो सर्वे है उसको लेकर दो जो इंस्टीट्यूट है सरकारी इंस्टीट्यूट हैं वहां पर रिसर्च करवाकर एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर रही हैं, जिसको लेकर फिलहाल ये जानकारी दी जाएगी कि किस आधार पर तमाम राज्यों के द्वारा जो पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जो डेवलपमेंट के कार्य किए जा रहे हैं या जो पहाड़ों को लेकर जो और भी पारिस्थितिक प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसको लेकर किस तरह राज्य सरकार या केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है उसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को पहुंचाई जाएगी। और साथ ही साथ केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि कुछ ऐसे राज्यों में जो कार्य फिलहाल केंद्र सरकार के द्वारा चल रहे हैं उसमें एनजीटी के तय मानक को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ा जा रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है उसमें एक चिंता जाहिर करते हुए कहा गया है कि कुछ राज्यों में जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसमें एनजीटी के तय मानक को ध्यान में ना रखकर कदम उठाया जा रहा है, जिसकी वजह से तमाम जो पहाड़ हैं वो सरक रहे हैं और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान आने वाले में समय में देखने को मिल सकता है। जलवायु परिवर्तन और जिस तरह की चीजें लगातार देखी जा रही हैं उसकी वजह यह है कि जो पहाड़ों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है वो न केवल पहाड़ों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है बल्कि भविष्य में जो प्राकृतिक सुंदरता है वो एक प्राकृतिक आपदा का रूप ले सकती है और ये बड़ा आपदा हो सकती है, इसीलिए ये चिंता जाहिर करते हुए याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और केंद्र सरकार से तुरंत कदम उठाने के लिए कहा है, इसीलिए इस मामले को सोमवार के लिए रखा गया है ताकि इस पूरे मामले में एक डिटेल हियरिंग की जाए और ये देखा जाए कि क्या वाकई राज्य सरकार और केंद्र सरकार एनजीटी के द्वारा तय मानक और पर्यावरण संतुलन को बनाने के लिए जो भी नियम बनाए गए हैं क्या उस आधार पर डेवलपमेंट कर रही है या फिर नहीं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जब एक एफिडेविट फाइल किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि जो जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें किन आधार पर प्रक्रियाएं आगे बढ़ रही हैं उसी आधार पर अब सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ेगा और ये अपने आप में एक बड़ा सवाल भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे रूप से सवाल किया है केंद्र सरकार से कि आखिर जो पहाड़ जो 13 जो जिलों में पहाड़ लगातार नुकसान
में हैं, उनकी वजह क्या है और क्यों लगातार पहाड़ जो है वो न केवल शिमला, उत्तराखंड और तमाम ऐसे पहाड़ी एरिया हैं जहां पर लगातार घटनाएं लैंडस्लाइडिंग की देखने को मिल रही है, उसकी वजह के बिल्कुल सुशील, आप सुप्रीम कोर्ट इस पर गंभीर नजर आ रहा है और जो पहाड़, जो हिमालय पर्वत अपनी दृढ़ता के लिए जाने जाते हैं, अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं, वो ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर रहे हैं और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो एक जनहित याचिका लगाई गई है, सुप्रीम कोर्ट इस पर गंभीर है और अगली सुनवाई इस पूरे मामले की सोमवार को होनी है। सुशील, आप नजर बना के रखें, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां देने के लिए। तो आपने हमारे सहयोगी को सुना किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस पर अब गंभीर हो गया है और अगले सोमवार को इस पर सुनवाई होनी है। केंद्र सरकार से ये ड्राफ्ट मांगा गया है कि क्या एनजीटी के नियमों के तहत जो हिमालय रीजन्स में विकास हो रहा है, क्या तय मानकों के हिसाब से हो रहा है या फिर ये जो विकास है क्या ये करप्शन की सूली चढ़ चुका है, ये सुप्रीम कोर्ट अब तय करेगा। और इसी विषय पर आज हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, कई पर्यावरणविद हमारे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच अनिल सूद जी जो एक पर्यावरणविद हैं, हिमाचल के वासी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल सूद जी, मैं बहुत स्वागत करती हूँ उस खास पेशकश में आपका। और मेरा आपसे सवाल यही है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार से ड्राफ्ट मांगा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है, क्या हमारे पास ये समय बचा है कि हम इस पर लंबी डिस्कशन करें, इस पर बहस करें, या फिर ये समय है कि एक्शन लिया जाए? देखिए, सबसे पहली जो बात है कि क्या ये सारी कंस्ट्रक्शन एनजीटी के नियमानुसार हुई है या नहीं, ये तो अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। जो एनजीटी के ऑर्डर से पहले कंस्ट्रक्शन हो गई, 5 स्टोरी, 7 स्टोरी, 9 स्टोरी, 10 स्टोरी, वो कैसे हुई? और क्या तब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ये मालूम नहीं था कि ये दरकने वाले पहाड़ है? क्या MOEF को ये पता नहीं था कि ये कच्चे पहाड़ है, यंग पहाड़ है? ये इशू तो 2004 से चल रहा है। तो ये जो एफिडेविट फाइल करना है विदाउट मीनिंग एनी डिसरिस्पेक्ट, ये एफिडेविट में जो कुछ फाइल करेंगे दैट विल बी ऑल एन आई वॉश। आई डोंट बिलीव नाउ स्टेट गवर्नमेंट्स, जो कि इतना कुछ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट MOEF और MOEFCC, चाहे आप कोई भी ये डिपार्टमेंट ले लो, एफिडेविट इज द बिगेस्ट स्टोरी कुक्ड अप बाय ऑल दीज अथॉरिटीज। आज जो भी हो रहा है, हाँ जी बोलिए, आई कांट सी यू और नॉर आई कैन। तो क्या हम, कैन यू हियर मी नाउ? अनिल जी, आप क्या मुझे सुन सकते हैं अभी? अनिल जी, तो क्या जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये एफिडेविट फाइल करना ये कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं रहेगा, तो क्या हम ये माने कि हिमाचल प्रदेश में खास तौर पर हिमालय रीजन में जो ये विकास हुआ है ये पूरे तरीके से करप्शन की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है, या फिर ये हम कहें कि विकास करप्शन की सूली चढ़ गया है तो शायद गलत नहीं होगा? जी, आप ये सोचिए कि पूरा जो ये रेंज है ये सिस्मिक जोन 4 और 5 में है, और क्या हम भूल गए 1905 की त्रासदी जो 1905 में हुआ? तब तो 2.5 स्टोरी लाइट वेट कंस्ट्रक्शन थी, तब इतना डैमेज हुआ, आज कितना डैमेज होगा? क्या ये ब्यूरोक्रेट्स बताएंगे? क्या ये ब्यूरोक्रेट्स अपने एफिडेविट में लिखेंगे कि हम भूल गए हैं वो त्रासदी? क्या ये ब्यूरोक्रेट्स अपने आप को एक्सपोज करेंगे? आंसर इज नो। इनमें से कोई भी जिम्मेवारी नहीं लेगा, ये सब जिम्मेवारी आम आदमी के ऊपर आएगी, डिस्पाइट द प्लान्स हैविंग बीन अप्रूव्ड बाय द अथॉरिटीज इटसेल्फ। तो इनमें से कोई भी एडमिट करने वाला नहीं है कि हमारी गलती थी। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, अपनी गलती तो इस एफिडेविट में जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होना है उसमें तो जाहिर सी बात है कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं, एक रिटेंशन पॉलिसी का यहां पर बार बार जिक्र हो रहा है, राजधानी में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जिन्हें खाली करवा दिया गया है, बहुत सारे पेड़ों को काटा गया, इससे पहले भी हम और आप इस पर चर्चा कर चुके हैं, एक रिटेंशन पॉलिसी की बात कही जा रही थी, कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रही थी और उसमें यह साफ तौर पर कहा गया था कि लोगों ने सरकार के ऊपर दबाव बनाया कि रिटेंशन पॉलिसी को लाया जाए और फिर सरकार ने उसके मद्देनजर कदम उठाए। तो कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं कि आम जनता पर ही ठीकरा फोड़ दिया जाएगा, वही होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए,
जो दो तीन लॉबीज बड़ी स्ट्रांग है हमारे हिंदुस्तान में, बिल्डर लॉबी, टूरिज्म लॉबी और ब्यूरोक्रेट लॉबी। जब भी कहीं भी आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, अगर गुड़गांव का सत्यानाश हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है तो कौन जिम्मेवार है? कितनी कंस्ट्रक्शन हो गई? दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, दिल्ली में अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, कौन जिम्मेवार है? तो इसी तरह हिमाचल में भी डायरेक्टर कंट्री एंड टाउन प्लानिंग क्या कर रहा था? वो भी एक फुल फ्लेज ऑफिस ही था ना, जिसको सारा प्लान देखने था, जिसको सारा अपना क्या कहते हैं टोपोग्राफी देखनी थी, जिसको सारा जियोलॉजिकल इम्पैक्ट देखना था, वो क्या कर रहे थे? तो जब इन्होंने कुछ किया ही नहीं सिवाय पैसे बनाने के, और आम आदमी भी झांसे में आया टूरिज्म के चक्कर में, होटलों के होटल बन गए, छोटी छोटी लेन में तो ईटरीज खुल गई, तो आपने इतना ज्यादा लोड बढ़ा दिया पूरे शिमला में और सराउंडिंग एरियाज में, अब भुगतो। जी, इसमें पॉलिटिकल विल को क्या जिम्मेदार माना जाए, क्योंकि सरकारें तो 5 साल में हर बार हिमाचल प्रदेश में बदलती हैं, 5 साल एक सरकार, 5 साल दूसरी सरकार, विकास हर वक्त लगातार हो रहा है, 4 लेन का काम भाजपा के समय में भी हुआ, कांग्रेस के समय में भी हुआ, और जो ये शिमला चंडीगढ़ वाला नेशनल हाईवे है, इसका क्या हाल है, ये तो जग जाहिर है, ये जब से बना है तब से बन ही नहीं पा रहा और बाकी सब कुछ यहाँ पर हो रहा है, तो पॉलिटिकल विल भी इसमें कहीं ना कहीं मैटर करती है। ये बनेगा ही नहीं, और चाहे अब ये कह दें आज NHAI जागी है कि हमने 90 डिग्री के ऊपर जो है पहाड़ नहीं काटेंगे, जब हम लोग कह रहे थे तब क्यों सोए थे ये? अरे अब आपने डैमेज तो इतना कर ही दिया, पहाड़ भी काट दिया, पेड़ भी काट दिए, रिटेंशन पावर खत्म है। तो ये पहाड़ जब आपस में सारे इंटरट्वाइंड इंटरलिंक्ड होते हैं, तो बीच में से जब एक लिम्ब वीक हो जाता है तो सारा का सारा बिखरना शुरू हो जाता है, तो वी आर हेडिंग फॉर दैट डिजास्टर। बिल्कुल, मैं तो सोच सोच के कई बार डरता हूं कि आगे क्या होगा। सर, पर्यटन की दृष्टि से जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश को सवारने और निखारने की बात हो रही है, रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट यहां पर आएंगे और फिर रेवेन्यू बढ़ेगा, हिमाचल प्रदेश में विकास होगा, ये तमाम दावे आज की डेट में हवा हवाई हो गए हैं, क्योंकि जिस पर्यटन की दृष्टि से ये 4 लेन का निर्माण हुआ, सड़कों का जाल बिछाया गया, आज उन्हीं इलाकों के तमाम होटल्स खाली पड़े हैं, ढाबे वाले बेकार हैं, जो होम स्टे खुल रहे थे वो बेकार पड़े हैं, तो फिर किस तरीके का पर्यटन आप किस तरीके के पर्यटन को आज न्योता दे रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पंजाब हरियाणा से जाने वाला टूरिस्ट तो आज डर के हालात में बैठा है, आज डरा हुआ है, पहाड़ों पर जाना नहीं चाहता। आप ये देखिए कि हमने विकास से विनाश की यात्रा शुरू करी है, हमने विनाश से विकास नहीं किया, हमने विकास से विनाश किया है, हमने बजाय हेलमेट टाउन्स, इको फ्रेंडली टूरिज्म, गांव जैसे बाकी जगह पे भी हो रहा है बिना कंस्ट्रक्शन के, आप विलेजेस में जाओ, होम स्टे करो, यू एंजॉय द लोकल लाइफ, ताकि वहां पे कंस्ट्रक्शन भी ना हो, इकोलॉजिकल इम्बेलेंस भी ना क्रिएट हो, आपने वो तो किया नहीं। आपने होटल जरूर बना दिए, आपने खूब सारा सरिया, खूब सारा सीमेंट जो है हिमाचल हिमालय की छाती पे रख दिया पहाड़ों की, तो क्या सिर्फ सीमेंट और सरिया रखने से पहाड़ पक्के हो जाएंगे? आंसर इज नो। तो टूरिज्म का रेवेन्यू जो था, जब जिसने भी ये पॉलिसी टूरिज्म की सी, सारे डिपार्टमेंट अपनी इंडिपेंडेंट साइलोज में काम करते हैं, कोई मिलजुल के काम नहीं करता। क्या टूरिज्म वालों ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से बात करी? क्या टूरिज्म डिपार्टमेंट ने डायरेक्टर कंट्री टाउन प्लानिंग से बात करी? क्या टूरिज्म डिपार्टमेंट ने MOEF NCC या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात करी? आंसर इज नो। और अगर करी भी होगी, अनऑफिशियल होगी, वो रिकॉर्ड पे नहीं होगी, और अगर आज की डेट में करी है तो कोई मानेगा नहीं कि हमारे साथ करी है। तो हमारा जो सिस्टम है इतना खराब हो चुका है आज की डेट में
कोई भी किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, मैं ये मानूंगी कि ये सिस्टम कहीं ना कहीं लचर भी है और एक्सपोज भी हुआ है। इस बीच मानसी जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, पर्यावरणविद है। मानसी जी, मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ इस खास पेशकश में, और हम चर्चा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई एक जनहित याचिका पर, और ये कहा गया कि एक ड्राफ्ट पेश किया जाए जिसमें ये बताया जाए कि हिमालयी रीजन में जो डेवलपमेंट हुई है क्या वो एनजीटी के मानकों के तहत हुई है, या फिर उन मानकों को दरकिनार करके ये जो डेवलपमेंट है ये हुई है। ये इसलिए हुआ क्योंकि हिमाचल प्रदेश में खासतौर पर जो पहाड़ भर भरा कर गिर गए, लोगों की मौत हो गई, लोग लापता हो गए, घर बर्बाद हो गए, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट काफी गंभीर इस पर नजर आ रहा है। आप इस पूरी त्रासदी को कैसे देखती हैं, किस चीज को कारण मानती हैं, और क्या अभी व्हाट इज द नीड ऑफ एन आर? देखिए, इसमें एक दो चीजें पहले मैं कहना चाहूंगी कि ये जो आपदा है इसको हम हमें ये देखना चाहिए कि ये एक दिन में तो घटी नहीं है। ये इसकी जो भूमिका पड़ी है या इसकी जो नींव रखी गई है, ये पिछले दो दशकों तीन दशकों का काम है, और इसका जो परिणाम है वो धीमे धीमे हम लोग पिछले 10-15 सालों से दिख ही रहे हैं। और इसमें हम जलवायु परिवर्तन को जरूर पूरा दोष दे देते हैं, लेकिन शायद इसमें हमें ये देखने की जरूरत है कि जलवायु परिवर्तन के साथ साथ जो एक इस क्षेत्र के जो जिस तरह का विकास पहाड़ी जो पूरा भूगोल है, यहाँ की जो प्रकृति है, इसके अपने कुछ नियम है, ये एक जटिल परिस्थिति वाला क्षेत्र है, तो इसकी पूरी तरह से एक समझ पहले से, वैज्ञानिक समझ पहले से विकसित हुई है। ऐसा नहीं है कि हमें ये पता नहीं था, हमें सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश की जरूरत थी, ये जानकारी हमारे पास पहले से थी, लेकिन इन वैज्ञानिक मूल्यों का की धज्जियां उड़ाते हुए एक विकास का मॉडल हम लोगों ने धारण किया है, उसको इम्प्लीमेंट किया बिना सोचे समझे, और उसमें सिर्फ प्रॉफिट और एक तरह से ग्रीड को आगे रखते हुए किया है, उसी का परिणाम आज हम देख रहे हैं इस आपदा के रूप में। बिल्कुल बिल्कुल मानसी जी, एक चीज है कि विकास और एक है जरूरत से ज्यादा विकास। तो क्या हम ये माने कि हिमाचल प्रदेश के कुछ महत्वाकांक्षी शहरों में जरूरत से ज्यादा विकास कर दिया गया, जिस चीज को आप कह रही हैं कि अपनी ग्रीड को आगे रखा गया, अपने स्वार्थ को आगे रखा गया, क्या उसका ये प्रतिरूप है कि आज हमें शिमला में लोगों को अपने सदियों पुराने बसाए घरों को छोड़कर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ रहा है? क्यों खासतौर पर राजधानी में जो उसकी वहन क्षमता है उसका ध्यान रखा गया, सिर्फ और सिर्फ शिमला के ही जो कुछ इलाके हैं उन पर ही डेवलपमेंट का जोर दिया गया? क्यों आउटरीच इलाकों में या आसपास के जो इलाके हैं वहां पर इस डेवलपमेंट को बसाने का किसी ने नहीं सोचा कि हम सिर्फ शिमला के एक जगह पर फोकस कर रहे हैं, इसके आसपास के इलाके हैं शायद वहां पर भी फोकस किया जा सकता है, राजधानी को बचाया जा सकता है? बिल्कुल, अगर आप देखें तो पहाड़ों में ऐतिहासिक रूप से जब बसाहटें बनी, जब लोग बसे होंगे, तो हमेशा दूर दूर बस्तियां होती हैं, और वो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यानी कि एक जगह पे जब घनत्व ज्यादा हो जाता है जनसंख्या का, तो वो नहीं है, और पूरी तरह से खेती या आजीविका के साधन भी विकसित करना मुश्किल है। जब अर्बनाइजेशन होता है, शहरीकरण होता है, तो फिर वो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है एक जगह पे, तो शहरीकरण पे भी एक तरह की रोक लगना जरूरी है या एक तरह का नियंत्रण होना जरूरी है, रेगुलेशन बहुत जरूरी है इसमें, और वो कैरिंग कैपेसिटी की स्टडी के हिसाब से। तो शिमला जो है ये तो एक कॉलोनियल टाउन है जो अंग्रेजों ने बसाया था अपनी जरूरत के लिए, क्योंकि उनको गर्मी लगती थी तो वो पहाड़ों में आते थे गर्मियों में, तो उन्होंने वहां पे अपनी राजधानी बसाई और उसी को राज्य की राजधानी बना दिया गया, और उसी के इर्द गिर्द फिर जो है एक बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड डेवलपमेंट हुआ है। और जिस तरह का स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ, जिसकी बात कॉन्क्रीटाइजेशन की मेरे से पहले शायद और स्पीकर थे वो कर रहे थे,
वो भी हमें देखने की जरूरत है। मतलब पहले के जो मकान और भवन के जो निर्माण थे और आज के जो है वो अलग है। पानी कहाँ से आएगा, बाकी संसाधन कहाँ से आएंगे, ये सब ध्यान में रखते हुए कहीं भी बसाहट, तो इसमें लैंड यूज प्लानिंग और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का एक बहुत बड़ा रोल है और उसमें बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से ये किया जाना चाहिए था जो हुआ नहीं है। बिल्कुल, जी बिल्कुल अनिल जी, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी। अनिल जी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ऐसे में विकास तो रुक नहीं सकता, विकास की रफ्तार को हम रोक नहीं सकते, लेकिन अब जब लोगों को ये चीज समझ में आने लगी है कि ये विकास गलत तरीके से हो रहा है, गलत मॉडल के मद्देनजर ये विकास हो रहा है, तो फिर इसमें क्या किया जा सकता है, क्या इमीडिएट स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं? जी, आपको सबसे पहले जो है, चलिए जी, सबसे पहले सिटीज को डीकंजेस्ट करना पड़ेगा। आपको वहां से सारे, क्या सारे सरकारी दफ्तर एक ही जगह होने चाहिए? क्या जरूरी है आज की डेट में, जबकि आपके पास, हेलो जी 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 अनिल जी, आई कैन हियर यू जी। जी अनिल जी, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज। चलिए अनिल जी से संपर्क करेंगे, लेकिन मानसी जी आप हमारे साथ इस महत्वपूर्ण डिस्कशन में जुड़ी, आपने अपने विचार रखे, क्योंकि ये जरूरत है। जिस तरीके से हिमालय रीजन में आज एडवांसमेंट हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन वो डेवलपमेंट कहीं ना कहीं विनाश का कारण भी बनती जा रही है, इस पर चर्चा होती रहनी चाहिए, बातचीत होती रहनी चाहिए। आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल सूद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, एक पर्यावरणविद थे, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले पर अब गंभीर हो चुका है और आगे अब सरकारें किस तरीके से रुख अपनाएंगी, कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो जूलॉजिकल डिपार्टमेंट हो, इकोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो, कंट्री टाउन एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट हो, इन सब डिपार्टमेंट्स को मिलकर आगे आने की जरूरत है। और जिस विकास से विनाश की ओर हम बढ़ रहे हैं, अपने हिमालय रीजन को जिस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं, उससे किस तरीके से बचा जाए, गहन मंथन की यहां पर जरूरत।